दोस्तों आप सभी लोग जानते ही होंगे कि आईफोन कितने ही ज्यादा महंगे होते हैं, इसके बावजूद भी जो है लोग आईफोन को ही ज्यादातर बाय करना पसंद करते हैं। दोस्तों इसके पीछे क्या इम्पोर्टेंट राज हैं जिस वजह से जो है लोग आईफोन को ज्यादा पसंद करते हैं एंड्रॉयड के मुकाबले में। हालांकि आईफोन जो होते हैं, आपको एग्जांपल दे देते हैं, अगर आईफोन 7 अगर आप बाय करते हैं उसके जगह पर अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल बाय करते हैं ओप्पो F7, तो काफी हद तक जो उसके कैमरा और बाकी जो उसकी डिटेल्स हैं वो ओप्पो F7 में आप लोगों को अच्छी देखने में प्रोवाइड होती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो है लोग आईफोन को ही ज्यादा अहमियत देते हैं। ये क्यों लोग आईफोन को ज्यादा अहमियत देते हैं, आज की वीडियो में आप लोगों को यही डिटेल के साथ बताऊंगा। दोस्तों उससे पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक टेक लेक्चर आर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मेन रीजन जो आप लोगों को बता दें, जो काफी हद तक आप में से काफी सारे लोगों को पता, आईफोन स्टेटस। जैसे आईफोन जो है लोग ज्यादातर बाय करते हैं स्टेटस के लिए, अपना एक जो हाई लेवल रखने के लिए, चाहे ये डिपेंड नहीं करता कि अब अगर आप आईफोन X ले रहे हैं या आप आईफोन जो है 5 ले रहे हैं या आईफोन 6 7 ले रहे हैं, ये डिपेंड नहीं करता, सिर्फ एप्पल डिपेंड करता है। ये आपकी जो है एक स्टेटस आपका शो करता है कि आप अच्छे खानदान से हो, आप जो है अमीर हो, पढ़े लिखे हो, तो ये सारी चीजें जो है आईफोन जो है शो करता है। और आप में से काफी सारे लोगों ने देखा होगा जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उनके पास ज्यादातर आईफोन का ही वो इस्तेमाल करते हैं। तो काफी जो लोग पैसे वाले होते हैं वो ज्यादातर आईफोन को जो है यूज करते हैं। तो आप में से भी काफी लोग ये एक चीज महसूस ही करते होंगे कि अगर आप किसी के पास भी अगर आईफोन देखते हैं तो आपका माइंड फौरन चला जाता है कि ये काफी अमीर बंदा है, अच्छे खासे घर से इसका ताल्लुक है, ये एक स्टैंडर्ड आपका जो है आईफोन शो करता है। और दोस्तों ये दूसरे नंबर है मैन इम्पोर्टेंट, वो है आईफोन का लुक डिजाइन। दोस्तों जो आईफोन का लुक होता है वो बहुत ही ज्यादा हमें अच्छा देखने में प्रोवाइड होता है एज कम्पेयर टू जो है एंड्रॉयड मोबाइल में। हमें जो है आईफोन हमेशा अच्छी जो है बॉडी जो होती है मोबाइल की वो प्रोवाइड करता है, और काफी हद तक जो है आईफोन एक सिक्योर मोबाइल है, और अगर काफी बार अगर गिर भी जाए तो उस पर कोई भी जो है इफेक्ट नहीं पड़ता एंड्रॉयड के मुकाबले में। एंड्रॉयड ज्यादातर आप लोगों ने देखे होंगे कि आजकल जो एंड्रॉयड आ रहे हैं वो बिल्कुल उसकी जो है बैक साइड भी शीशे की होती है, फ्रंट साइड तो शीशे की होती है लेकिन उसकी बैक साइड भी जो है शीशे की बना देते हैं। अगर ऐसे गिरे तब भी नुकसान, ऐसे गिरे तब भी नुकसान, बंदा जाए तो जाए कहां। तो दोस्तों आईफोन की जो है लुक है वो हमें काफी अच्छी देखने में नजर आती है, स्टील की हमें जो है लुक देखने में नजर आती है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी जो है इसमें फीचर्स है जो मुझे काफी अच्छा लगा, तो इस वजह से भी लोग जो है आईफोन को बाय करना पसंद करते हैं। और दोस्तों जो तीसरे नंबर पे है वो इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या है, अब दोस्तों इकोसिस्टम क्या है, दोस्तों जो आईफोन है वो अपने जो है अपने ही डिवाइस के साथ बहुत ही प्रीमियम जो है चलता है। दोस्तों आप में से काफी सारे लोगों को पता ही होगा कि जो है एप्पल है वो सिर्फ मोबाइल्स नहीं बनाता, वो जो है कंप्यूटर भी बनाता है, जो है लैपटॉप भी बनाता है, और जो है आईपैड भी बनाता है, और जो है पावर बैंक इस टाइप की हर चीजें बनाता है। तो आप लोगों को ये भी बता दें कि इसका जो इकोसिस्टम होता है इन एप्पल का, तो ये जो है एप्पल इंडस्ट्रीज का, तो ये एक दूसरे डिवाइस के साथ बिल्कुल प्रीमियम चलते हैं और बहुत ही साफ और तेज चलते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर अपना मोबाइल कनेक्ट करता हूँ कंप्यूटर के साथ तो बिल्कुल ही सही चलेगा, कोई इसमें रिक्वायर्ड नहीं आएगी और तेजी से वो जो है काम करेगा। तो ये भी इस टाइप का भी जो है आईफोन में एक इकोसिस्टम रखा गया है, तो ये भी जो है मुझे काफी हद तक जो है अच्छा लगा है। और दोस्तों जो चौथे नंबर पे है वो ऑपरेटिंग प्रोसेस सिस्टम। अब इसका मतलब क्या है कि जो है जो भी मोबाइल्स हैं हमें आईफोन है वो हमें बहुत ही अच्छा प्रोसेस प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड के। एंड्रॉयड में प्रोसेस जो लगाया जाता है कितना भी अच्छा लगा लें, कितना भी हाई क्वालिटी का लगा लें, लेकिन आईफोन के मुकाबले में वो जो है प्रोसेसर अच्छा नहीं है। आईफोन का जो प्रोसेसर बहुत ही अच्छा हमें प्रोवाइड होता है गेमिंग वेयर के लिए। आपको पता ही होगा कि जो एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं वो ज्यादातर हैंग का मसला उसमें आता है, लेकिन जो है आईफोन है उसमें हैंग का मसला नहीं आता, ये बहुत ही अच्छी बात। और दोस्तों जो आखिरी नंबर है वो है आईफोन की सिक्योरिटी। दोस्तों सिक्योरिटी हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, सिक्योरिटी को भी लोग ज्यादातर पसंद करते हैं, और सिक्योरिटी अगर जिस मोबाइल में अच्छी हो लोग उसी मोबाइल को बाय करते हैं। एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड की जो सिक्योरिटी है वो इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी अगर आपका मोबाइल फॉर एग्जाम्पल कहीं खो जाता है तो कोई भी उसी से आसानी के साथ उसमें से डेटा निकाल सकता है, लेकिन ऐसे नहीं है। लेकिन जो है आईफोन है उसमें ऐसा सिस्टम नहीं है, अगर आपका जो इसमें सिस्टम इतना जो है उसमें
हार्ड लगाया गया है, सिक्योरिटी इतनी हार्ड है कि कोई भी आम बंदा उस सिक्योरिटी को नहीं खोल सकता। अगर आपका आईफोन गिर भी जाता है तो फिर भी जो है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो तस्वीरें वगैरह कोई भी नहीं निकाल सकते हैं। और एक जो बहुत ही अच्छा फीचर है वो ये है कि आप आईक्लाउड के जरिए किसी भी डिवाइस में आईक्लाउड लगाकर अपना आईफोन का डेटा वहां से वसूल कर सकते हैं। दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छी जो है एक फीचर हमें दिया गया आईफोन में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आप लोगों को थोड़ी सी ही नॉलेज मिली होगी। अगर आप लोगों को वीडियो से नॉलेज मिली हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके जाएं, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की मोर वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखना है आपने अपना ख्याल। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।